नमस्कार सगळ्यांक येवकार आयचे स्पेशल कार्यक्रमांत आमी आतां दिवाडे आहा, दिवाडे जे होडी इनोवेशन्स म्हणून शिप बिल्डिंगाचे आहा तितून एक वेगळीच होडी तयार करप चालू आहा। एक खूब वर्सां पैलींची म्हणजे 1000 वर्सां पैलींचे सुमार कॉन्सेप्टान एक होडी तयार करप जाता आनी तेजे पयलीं इनॉग्रेशन हांगासर ते प्रोजेक्टाचे ओपनिंग करता आसतना तेजी म्हायती थोडी दिल्ली की लाकडा पासून तयार जाल्ली होडी आनी तेजे आर्ट, एन्शियंट आर्ट शिप बिल्डिंगाचे जे काम ना जालां ते परत एकदा हाडपा खातीर हो प्रयत्न म्हणून मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ह्या प्रोजेक्टान आपण हे जो कॉन्सेप्ट आहा तो इज द ब्रेन चायल्ड ऑफ संजीव सन्याल जे प्रॉमिनंट हिस्टोरियन आहा, इकॉनॉमिस्ट आहा, पीएमओचे जे इकॉनॉमिक एडवायजरी काउंसिल आहा ते मेंबर आहा आनी ते आमच्या वांगडा सद्या आहा ते प्रोजेक्टाचे उलोवपा। वेलकम संजीव बाब। सर ये जो प्रोजेक्ट है आपने ये लिया है उसका इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, कैसे आइडिया? तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये केंद्रीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भारतीय नौसेना के बीच में एक कोलैबोरेशन है। तो इसका जो प्रोजेक्ट के पीछे जो सोच है उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में एक ही सागर है, एक महासागर है जो किसी देश के नाम से जुड़ा हुआ है, जैसे हिंद महासागर। हाँ, तो ये एक तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्राचीन समय से भारत में एक नाव सभ्यता जो थी, मतलब हम मैरिटाइम कल्चर जो थी वो बहुत प्राचीन है, मतलब हड़प्पा युग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ से इंडोनेशिया, कोरिया, ओमान, मिस्र, सब जगह हम लोग जाते थे। तो वो जो हम लोग नाव यात्रा करते थे उनमें किस तरीके के नाव का इस्तेमाल होता था प्राचीन ज़माने में, तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, इस पे किताबें भी लिखी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक क्यों ना हम एक ऐसा नाव बनाएं जो उस प्राचीन सभ्यता के समय की जो तकनीक है उसको फिर से हम लोग उभर के लाएं और एक बना के देखते हैं क्या होता है। तो जो उस समय की जो तकनीक थी वो ये थी कि हम लोग कील का इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन बहुत गिने चुने नाव के लिए। ज़्यादातर जो थे हम लोग जो जहाज़ हैं उनको हम लोग सी के बनाते थे। हाँ, तो स्टिचिंग प्रॉपर। तो ये जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप अगर देख रहे हैं ये जो नाव का ये सामने का होगा, वो पीछे का होगा, और ये जो रिब्स देख रहे हैं ये हम लोगों ने रस्सी से बांधा हुआ है। तो उस ज़माने की यही तकनीक था, लेकिन आज ये तकनीक प्राय लुप्त हो चुकी है। हम लोग छोटे मोटे बोट्स बनाते हैं गांव में, उसी के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इस तकनीक ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो हमने सोचा कि ये पूरी तरह से लुप्त हो जाने के पहले क्यों ना हम एक बड़े जहाज़ का निर्माण करें जिससे लोगों को याद रहे। और हम लोग सिर्फ ये सीने के तकनीक को ही नहीं अपना रहे हैं, हम लोग उस ज़माने मतलब उस समय क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया, क्या उस सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हम लोग जो जहाज़ बना रहे हैं ये गुप्त काल का है, मतलब आज से 1500 साल पहले का जो डिज़ाइन है उस पे आधारित कर रहे हैं। अजंता में एक चित्र है, उसमें उसको देख के कुछ ग्रंथ हैं उनको पढ़ के हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़माने का आज से 1500 साल पहले गुप्तकालीन एक जहाज़ के निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं। आपने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज किया है, कॉन्सेप्ट को दिया है, मगर वो काम करने वाले लोग हैं, आपको कहाँ से उनको हायर करना पड़ा, कहाँ से आपको मैनेज करना पड़ा? तो अब बहुत ही कम लोग रह गए हैं जिनको ये टेक्निक मालूम है। जैसे मैंने कहा ये तो प्राय लुप्त हो चुकी है, फिर भी गिने चुने लोग हैं, जैसे कुछ केरल के बेयपुर में, कुछ इधर उधर कुछ लोग हैं जिनको ये स्टिचिंग टेक्निक अभी भी याद है। इन्होंने बड़े जहाज़ बहुत नहीं बनाए हैं लेकिन छोटे नाव तो बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये पूरी तरह से लुप्त हो जाने के पहले इसका एक पूरी तरह से इसको बनाएं, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करें। हाँ, जिससे कि आज से आगे जाके भी कोई अगर ऐसा जहाज़ बनाना चाहे उनको मालूम है कि ये टेक्निक क्या है। तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि ये पूरी तरह से लुप्त हो जाने के पहले हम लोग इस टेक्निक को एक बार फिर से उभर के लाएँ और इसके आधार पर एक जहाज़ बनाएँ। मटेरियल कहाँ से मैनेज कर रहे हैं हम जो? तो अभी भी जैसे मैंने कहा कि ग्रंथों में कुछ लिखा है, अभी भी ये प्रथा जो है अभी भी जीवित है, कुछ लोगों के पास है। अब जैसे ये और एक पीढ़ी में खोजना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है, लुप्त हो जाएगी एक और पीढ़ी में। लेकिन इसीलिए इसके बहुत ज़रूरी है कि इस जो चीज़ है इसको हम लोग अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करें, इस पूरे चीज़ को लिख के रखें, जिससे आगे भी जाके कोई अगर इसका इस तरीके के जहाज़ बनाना चाहे उसको मालूम है कि हम लोग मटीरियल क्या इस्तेमाल किया, किस तरीके की लकड़ियाँ, किस तरीके के रस्सी और इत्यादि इत्यादि। एक जीता जागता डॉक्यूमेंट जैसा जीता जाता डॉक्यूमेंट होगा। और एक है कि एक तो है बनाना, इसके बाद हम लोग इसको समुद्र में डालेंगे और पहले इसको हम लोग नाव समुद्र में जाएंगे मुझे वेंचर करेंगे। नहीं तो क्या मज़ा आया। सिर्फ बना, ये सिर्फ मॉडल नहीं है, ये असली जहाज़ है और इसको समुद्र में डालेंगे। इस पर पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा क्योंकि और भारतीय नौसेना के कुछ सेलर आएंगे, इसमें हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। और हम लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये हम लोग जब इसको समुद्र में डालेंगे ये किस तरीके से सेल होगा, हम लोगों को भी ठीक से मालूम नहीं है। तो ओमान का एक प्रोजेक्ट था ज्वेल ऑफ मस्कट, कुछ 10-15 साल पहले का, तो उन लोगों ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, उससे थोड़ा सीखेंगे हम लोग, अपना भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फिर उसके बाद इसको शायद आज से 2 साल बाद हम लोग इसको ओमान ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ओमान में 2-3 हफ्ते का एक नाव यात्रा करेंगे, उसके आधार पे हम लोग और थोड़ा सीखेंगे। और अगर वो सफल रहा तो फिर हम एक लंबा यात्रा और करेंगे, बाली यात्रा, मतलब कलिंग यानी आज जो हम लोग उड़ीसा कहते हैं, वहाँ से हम लोग इंडोनेशिया ले जाने की कोशिश, डीप सी वेंचरिंग करेंगे। लेकिन डीप उसके करने के पहले हमको सीखना पड़ेगा इसको कैसे, इस जहाज़ को चलाया जाता है, क्योंकि अभी तो बहुत पीढ़ी चले गए हैं जिनको मालूम था, अब तो हम लोगों को नए से सीखना पड़ेगा। जो काम अभी चालू है, मुझे लगता है लास्ट ईयर और कुछ महीने पहले इलेक्शन से पहले इसका ओपनिंग हुआ था, करने के लिए मिनिस्टर भी आई थी, तब से अब तक प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो आप ही देख ही सकते हैं कि इसका जो नींव है तो बन चुका है, हल्का जो नीचे का भाग है वो बन चुका है, इससे ये बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर तक। तो एक बार ये बन जाएगा तो फिर इसके अंदर डेकिंग होगा, इसके जो मास्ट है जिसपे हम लोग पाल या सैल लगाएंगे, तो वो सब बनाना अभी भी बाकी है। एज पर शेड्यूल चल रहा है आपका? अभी तक तो शेड्यूल पे चल रहा है, लेकिन क्या मालूम आगे जाके अगर कोई समस्याएं आई तो उस पर हम लोग फिर उसका समाधान करेंगे। तो अभी के लिए तो शेड्यूल पे चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो आपने प्लान किया हुआ है वेंचरिंग, बाली टूर वगैरह सब होने के बाद इस शिप का क्या होगा? तो अगर ये जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, एक ओमान फिर बाद में इंडोनेशिया, ये सब करने के बाद अगर ये शिप फिर भी मतलब अच्छे कंडीशन में है तो इसको हम लोग वापस ले आएंगे और इसको लोथल में एक मैराटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग डिस्प्ले पे डालेंगे। पुराने मुझे एंशिएंट स्टाइल से जो अभी बिल्डिंग से बिल्डिंग हो रहा है, शिप बिल्ड करें, मुझे इसके स्पेसिफिकेशंस आप बता सकती है? इसमें 2 टीम्स इन्वॉल्व हैं, एक टीम जो कारपेंट्री का काम करती है और एक टीम जो केवल और केवल स्टिचिंग का काम करती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फेजेस 22। पहले कीले करते हैं, उसके बाद प्लैंकिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद बीम्स डालेंगे, उसके बाद डेक डालेंगे, मास्क लगाएंगे, रिगिंग करेंगे और फिर ट्रायल से स्टार्ट होंगे। ये सारा प्रोसेस है, बट ये एक ओवरऑल फेजेस हैं। इसमें बहुत माइन्यूट प्रोसेसेस हैं जो हर एक स्टेप में इंक्लूडेड है। अगर स्पेसिफिकली हम स्टिचिंग की बात करें तो बात स्टार्ट होती है मटेरियल प्रोक्योरमेंट से। तो ये सारा मोस्टली मटेरियल जो है वो केरला से आता है। इसमें क्या क्या है? एक कॉय रोप का फाइबर है मेड ऑफ दिस एंड उसके 3 या 2 लाइंस इसके अंदर डालते हैं और फिर अराउंड 20 लाइंस ऑफ दिस रोप स्टिचिंग रोप डालते हैं, लाइक 1 मीटर पैच। एंड देन उस 20 लाइंस के ऊपर ये आई एक्स पैटर्न बनाते हैं। ये सेम चीज़ अंदर भी है और बाहर भी है, तो इसका एक स्पेशल टेक्निक है स्टिच करने का जी, वो फॉलो होता है और वो जो टीम है वो एक्सपर्ट है इसको करने। ओके, जो मटेरियल बीच में मुझे इसने बताया प्रथमेश ने, कुछ ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको रिमेन्स दिख रहे हैं कुछ ये वो गम है जो नेचुरल गम जो प्रिपेयर करके इन प्लैंक्स के बीच में लगाया स्टिचिंग के पहले। तो ये जो 2 प्लैंक्स हैं इनको लगाने से पहले एक बीच में गम डालते हैं जो खुदरूस और फ़िश ऑयल के मिक्स से बनता है। खुदरूस को मेल्ट करके उसमें फ़िश ऑयल मिक्स करके फिर उसको लगाते हैं और बीच में कॉटन के लाइनिंग डालते हैं जिससे वो फाइबरस थोड़ा हो जाता है और चिपक जाता है आपस में। जब वो हो जाता है वो एक तरीके से ऑयल प्रूफ या वाटर प्रूफ बॉडी बनाता है उसके ऊपर से स्टिचिंग, तो ये एकदम ही फूल प्रूफ स्टिचिंग हो गई है। अब इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। बाद में इसको होल्स भी क्लोज कर देते हैं। तो विदाउट आयरन यूज़ के बिना, नेल्स यूज़ के बिना एक बॉडी परफेक्ट फिट हो सकती है, मुझे परफेक्ट हो सकती है। यही तो आर्ट है। जब वो प्लैंक फिक्स करते हैं तो वो जो आर्ट है वो देखने वाली चीज़ है, क्योंकि वो कैसे केवल आँख से देख के प्लैंक को कितना मोल्ड करना है, किस प्लैंक के ऊपर कैसे वो फिक्स होगा, ये आर्ट है। और बाबू शंकरन जी उसमें एक्सपर्ट है। और वो देखते हैं, जब तक वो प्लैंक एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिक्स नहीं हो जाता तब तक वो उसको टेम करते ही रहते हैं। और फिर जब हो जाता है तो उसमें होल्स बना के फिर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, तो पानी जाने की गुंजाइश है ही नहीं। ये इवन मैं कहूँगी कि ये नेल से भी ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो उसके ऊपर का भाग कैसा रहेगा? ये जो अभी आप पार्ट अपने एक्सप्लेन किया है वो अंडर वाटर रहेगा ज़्यादातर, तो उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर क्या काम होता है? ये प्लैंकिंग कंटिन्यू होगी जहाँ तक आप वो फ्रेम्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऐसे फ्रेम्स है बीम टाइप ऊपर, वहाँ पे डेक आएगा जिसके ऊपर हम चलते हैं, वर्किंग स्पेस। उसके बाद फिर 4 फीट के अराउंड एक और प्लैंकिंग कंटिन्यू होगा लाइक अ बाउंड्री, और इस तरीके का शेप होगा इसका। बट ये प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि हमने इसका आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अजंता केव 2 से लिया है, तो इसका टमी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें बनाने में जो डिफ़िकल्टी है वो टमी को जो शेप देने में, इसका जो पेट है उसको शेप देने में थोड़ा डिफ़िकल्टी है। तो इसका शेप थोड़ा बल्बस होगा नीचे से ऐसा, फिर बल्बस होगा। ये बोट्स क्यों यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेड के लिए, जहाँ सामान इस देश से, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके की चीज़ें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी वैसी बनाई होती है जी। स्टिचिंग आप बता सकते हैं कैसे होता है? आपने ये देखा कि ये 2 प्लैंक्स हैं जिनमें लाइन से होल किए गए हैं, उनके बीच में अप्रॉक्स 4 से 5 सेंटीमीटर का गैप है हर एक होल के बीच में, और दोनों प्लैंक जो आपस में जोड़े जा रहे हैं उनमें लाइन से होल्स बनाए गए। अभी लास्ट होल जहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है वहाँ पर 2 नेल्स लगाए, और अराउंड 8 ऊपर एंड 12 नीचे एंड ऑपोजिट ऑन दी इनर साइड, ऐसे करके लाइंस, रोप के लाइंस डालते हैं। और उसके बाद इसमें ये जो कोकोनट का कॉयल रोप है उसको लूज़ करके, ये बहुत टाइट होता है, उसको लूज़ करके इसके 2 या 3 लाइन जैसा रिक्वायरमेंट हो वो डाल के, और फिर ये वाला जो रोप है जो आप डबल प्लाई, ये सेम रोप है ऐसा, बट इसको ऑयल किया हुआ है जो स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस रोप में और उस रोप में केवल ये डिफरेंस है कि उसको ऑयल किया गया है, और उनको एक पैटर्न में होल्स में डाल के अंदर बाहर करके वो IX पैटर्न आता है। तो इस शिप को बनाने में, इस नाव को बनाने में यही मेजर एक्चुअली काम है। हाँ जी, बट केरला में ये सेम तरीका ऐसा यूज़ नहीं होता है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि वो बहुत छोटे बनाते हैं बोट्स और उनको सैंड माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उनमें इतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो दोनों तरफ बॉर्डिंग नहीं करते, दोनों तरफ स्टिचिंग नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ ये पैटर्न होता है और बाहर की तरफ केवल आई पैटर्न दिखता है, बाहर से केवल खाली स्टिच होता है, ये बॉर्डिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन ये हमने तरीका चूज़ किया है क्योंकि हमें एक रैक मिला है इंडोनेशिया के एक आइलैंड के पास, बेलितुंग रैक, उसमें इस तरीके का स्टिचिंग है, इसलिए हम, क्योंकि उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये स्टाइल चूज़ किया। इसका ऊपर का जो विंग सर्फिंग का रहेगा वो मटेरियल कैसा रहेगा? हम उस टाइम पे कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? कॉटन के मास्ट होंगे, उन पर जो सेल्स होंगे वो कॉटन से बने हुए होंगे। ही जी तुम्हें आता होडी पहिली आणि संजीवान एक्सप्लेनू केली बरी तेन्ना ती कशी आसतली ती, पण ते एक्चुअल काम करपी तिंका मनीस सोदचे पडले आनी केरला मेरेन वयचे पडले मनीस सोदपा खातीर, आनी ते काम करपी आर्टिसन जो आहा बाबू शंकरन म्हणून ते आमच्या वांगडा ते एक्चुअल हांगसर काम करता, तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की एक्झॅक्टली कितें कितें करचें पडटा तांकां, ज्यो हरशी आतां गजाली प्रॅक्टीस करिना त्यो तिंका कश्यो परत वापरत हाडच्यो पडटा ते। बाबू शंकर जी, ये जो आप अभी काम कर रहे हैं इस होड़ी के लिए, वो एक्चुअली अभी यूज़ नहीं होता, आपको फिर से रिवाइव करके करना पड़ता है पुराने टेक्निक से। तो आप कितना डिफ़िकल्ट होता है ये काम? बहुत डिफ़िकल्ट है ना, हम लोग वो ऐसा 4-5 काम करेगा, वो मस्कट में करेगा, अबुधाबी में करेगा, इधर पहले किया है, पहले कर देगा। ये सेम मेथड काम सेम है, लेकिन वो बॉडी डिफरेंट मॉडल डिफरेंट है। इससे पहले और एक ऐसा ही शिप आपने किया था? मैं अभी मस्कट में करता है, मस्कट में करेगा, अभी अबुधाबी में काम करेगा। काम चालू है क्या? कंप्लीट मस्कट में वो है ना, जेवल ऑफ मस्कट। और जो आपको ये जो मटेरियल लगता है ना, तो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कहाँ से? हम लोग को केरला से आता लेके आएगा मटेरियल, केरला में मटेरियल रेडी मिलता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है सी में जाने के लिए, तो नमकीन पानी में जाएगा, सॉल्ट वाटर में जाएगा, तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है या डायरेक्टली मटेरियल? लकड़ी लाया तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या उसको? नहीं, और भी नहीं, वो इसमें चुक्का करना, चुक्का आना बनता है ना। चुक्का क्या होता है? चुक्का इधर से हम लोग को इधर सफाई करेगा, इधर रखेगा, बाद में चुक्का आता है ना, चुक्का भी हम लोग को लेके आएगा, इधर रखने का नहीं है, थोड़ा टाइम एडजस्ट करने का, इसीलिए रखेगा। कितना टाइम आपको लगेगा ये पूरा काम? लेकिन 60 मंथ है, लेकिन 50 मंथ में क्लास हो गया, 15 मंथ में कंप्लीट हो गया। जैसे मैं तुमका पहली सांगले हो कॉन्सेप्ट जो डिजाइन झाला, पण जे एक्चुअल काम है गोयन दिवार आयलैंडाचे चालू आहा, आणि होडी इनोवेशन्स जे प्रथमेश दांडेकर अशी बिल्डिंग आ तिथून हे होडीचे निर्माण जाता, ते आमचे बरोबर आता प्रथमेश दांडेकर, तेच बरोबर आमचे बरोबर वरद सबनीस आणि कृपा दुबे जे संवर्धन हेरिटेज सोल्यूशन्स ही जी एजन्सी आ ती डॉक्युमेंटेशनाचे काम करता। पुराय प्रोजेक्ट जो कंप्लीट जातलो जाता तेजे सुरवाते पासून ते एंड पर्यंत जे खंयचे गजाली यूज जाले, कशे कशे स्ट्रगल करचे पडले, कितें गजाली यूज जाले आनी ते कसो तेजो सक्सेस स्टोरी जाता, तेजे डॉक्युमेंटेशन करतले, प्लस ते प्रोजेक्ट तयार करता आसतना खंयच्यो हिस्ट्रींतल्यो तिंका गजाली लागता, मटेरियल म्हणा, डिजायन म्हणा, ह्यो गजाली तिंका ज्यो सपोर्ट दिवपाक जाय तो हे संवर्धन हेरिटेज सोल्यूशन्स तांकां दिता। सगळ्यांत पयलीं हांव घेता प्रथमेशाक, तुमकां हो प्रोजेक्ट मेळ्ळो तेन्ना कशें दिसलें की एक वेगळोच प्रकारचो प्रोजेक्ट करपाक मेळटा? हय, आमी नॉर्मली फायबर ग्लासाच्यो बोटी बांदता, तर हो एकदम सामको नवो प्रोजेक्ट आमकां, आनी इंडियन पयलीं करीत पण आतां ह्या दिसान कोणेंच करूंक ना, म्हणून हो सामको इनोवेटीव प्रोजेक्ट, नवो प्रोजेक्ट, आनी आमी केन्ना करूंक ना, तर आमकांय खूब शिकपाक मेळ्ळें। आनी हो प्रोजेक्ट आतां चलता जाता, आतां बोट आमी पळयता, यू नो, एज द प्लॅन्क्स गो अप, बोट आमी पळयता कशी दिसता, तर बरें दिसता, आनी आमी गोंयान करता म्हणून आनी बरें दिसता। आमचें नांव होडी म्हणून आमची फिशींग बोटी आसा, धाकट्यो फिशींग बोटी, तेय स्टीच करून पयलीं गोंयान करता, तर बरें दिसता की आमी गोंयान अशें व्हडले प्रोजेक्ट करता म्हणून। वरद बाब, तुम्ही या प्रोजेक्टान इनवॉल्व आहात, तुमचो रोल थोड्या प्रमाणात म्हाका कळ्ळो की तुम्ही कशें कितें करता, पण एक्झॅक्ट तुम्ही सांगा तुमचो रोल ह्या प्रोजेक्टान। ही जी बोट आम्ही पळयता ही ऑर्डिनरी बोट न्ही, ही अशी बोट आसा जी 2000 वर्सां पयलींच्या टॅक्नॉलॉजीचेर तयार जाता। होडी इनोवेशन्स ही जी एजन्सी आसा ती ही बोट बांदता, आनी ही बोट बांदता आसतना जी टॅक्नॉलॉजी आसा, जे मटेरियल आसा, जे प्रपोर्शन्स आसात, आनी जे जे मटेरियल हांवें यूज केलां, ती होडी बोट बांदपाची जी पद्दत आसा ही युनीक आसा, ही 2000 वर्सां पयलीं कशी आशिल्ली त्या स्टडीचेर, त्या रिसर्चाचेर बेस्ड आसा। सो हो रिसर्च परत ही होडी बांदता आसतना प्रत्येक स्टेजीचे डॉक्युमेंटेशन, फोटोग्राफीक डॉक्युमेंटेशन, आतां हे स्टिचिंग शिवप जे आसा ते ताजे डॉक्युमेंटेशन, ताका एक टिपिकल पद्दत आसा। आनी प्लस हे हांगा जे काम करपी कारागीर आसा ते केरलाचे आसा, ते बिलोंग टू वन कम्युनिटी, सो तांचे जे ट्रेडिशनल नॉलेज आसा, तांचे कडेन जे स्कील आसा हे डॉक्युमेंट जावचे, हाजे खातीर होडी इनोवेशन्स ह्या कंपनीन जेन्ना आमकां एप्रोच केलो तेन्नाच्यान आमी ह्या प्रोजेक्टान इनवॉल्ड आसा। आनी अशें दिसता की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो एक युनीक प्रोजेक्ट आसा, जाका इंटरनॅशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन मेळपाचें आसा, सिग्निफिकन्स ताका आसाच, जो पार्ट जावपाचे एक आमकां संदी मेळ्ळ्या सो ती आमी हांगा एन्जॉय करता ती आमी हांगा युटिलायज करता आनी त्या निमतान संवर्धन हेरिटेज सोल्युशनाची टीम हांगा आसा। आपको इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने का अवसर मिला तो आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसे फील हो रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। मैं आर्कियोलॉजी से हूँ बट आर्कियोलॉजी में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं तो ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट पर काम करके। प्रथमेश प्रोजेक्ट घेतलो म्हणून जायना पण तेका त्या कॉन्सेप्टान करतलो तुका खूब डिफिकल्टी फेस करता कारण तेजे लाकूड तेजे मटेरियल तुम्ही म्हणता ते फक्त स्टिचिंग खिळो खंय यूज जायना ह्यो सगळ्यो गजाली तुका कश्यो मॅनेज करच्यो पडटा। तर पहिली जेन्ना नेवीन आमकां अप्रोच केल्ले आमी खूब स्टडी करपाक सुरू केल्ली तर बुक्स इंटरनेटाचेर पळोवन पळोवन दुसऱ्या देशांत कशें आसता आमच्या देशांत कशें आशिल्लें ते सगळी इन्फॉर्मेशन काढली मागीर ते वाचून आमी आमकां कळूंक लागलें की असल्या पद्दतीन बांदपाक आमकां कॉयर रोप म्हणल्यार आमचे कोकनट फायबर सूम जाय पडटा मागीर प्लँकिंग करपाक हांगा पातफणस यूज करता मागीर बोटीचो सकयल्लो पार्ट कील म्हणटा आमी ताका ताका गोंयान मट्टी मट्टी म्हणून लाकूड मेळटा ते यूज करता आनी दुसरे हय मट्टी आनी मळ्यालमान म्हणजे कारिगरा ते केरलाच्या तो मळ्यालमान ताका करी मराथू म्हणून ते तांच्या लोकल लँग्वेजीन म्हणटा आनी दुसऱ्या जाग्यार आमी टीक वूड यूज करता। तर अशे सगळे स्मॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरंट सोर्सीस आमी काडले आनी मागीर आमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी डिझायन केलो आनी यार्डानूच टेस्ट केलो म्हणजे आमी धाकटो मॉडल केलो आनी पळयलें की बोट स्टेबल आसा काय ना फ्लोट जाता बरी बरी उरतली काय ना मागीर तो डिझायन आमी एक्स्ट्रापोलेट करून वो डिझायन केलो आनी इन दॅट टायम आमी खूब शिकले कशें कशें करपाचें खंय लाकूड हाडपाचें कसलें लाकूड मटेरियल अवेलेबिलिटी आसली काय तुमकां ते खातीर स्ट्रगल करचें पडलें परत? हय मटेरियल अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम आशिल्लो म्हणजे खंयचें लाकूड वॉट टायप म्हणल्यार नॉर्मली आमी चिंतता की सिजन्ड वूड इज द बेस्ट वूड पूण हांगा फ्रेश वूड जाय पडटा फॉर सर्टन हे फ्रेश वुडानूच कार्व जाता मागीर ते सुकता सो हे फणसाचें गोंयान मेळ्ळें पण सपोज लॉंग लाकूड जाय ते आम्ही केरलाच्यान हाडलं तर थंय वचून झाडां पळोवन आम्ही हाडलें लाकूड। ओके आनी मदीं हांवें आयकलें तेका खिळे खंयच मारिना फक्त ते स्टिचिंग करता म्हणून आनी कितें तेका जे टायट उरपा खातीर आनी कितें कितें गजाली नव्यो यूज करच्यो पडटा ज्यो पयलीं एक्चुअली तुवें यूज करूं नासतल्यो पण ह्या प्रोजेक्टाक यूज करता? तर जेन्ना आमी प्लँकिंग करता तेन्ना प्लँक एक प्लँक आनी दुसऱ्या प्लँकच्या मदीं खुंदरूस म्हणून एक ट्री सॅप आसता खुंदरूस आनी ताल्ल्याचें तेल ते हय नुस्त्याचे तेल मिक्स करून एक स्टिकी गम कसो तयार करता आनी कॉटन घालता तर ताका कॉकिंग म्हणून म्हणटा तर ते घालून प्लँक एक प्लँक दुसऱ्या प्लँकार दवरून स्टिचिंग करता। हे जे आमी पळयता ह्या प्लँक आनी ह्या प्लँकच्या मदीं तो मिक्सचर घालून जॉयन करून स्टिच करता मागीर ते वॉटरप्रूफ करता। असे मटेरियल तुमकां स्पेशल तयार करचे पडले का ते अवेलेबल आसता? ना अवेलेबल आसता खुंदरूस बीन सोदलो जाल्यार मेळटा सो गोंयान मेळचे ना ना आमी केरलाच्यान हाडला तो खुंदरूस। वरद बाब हो जेन्ना प्रोजेक्ट घेतलो तुमी मदीं आयकयलें तुमी तिंकां एक हे सुद्दां वेगळे कंट्रींतले पयलींचे फोटोज तुम्ही अवेलेबल करून दिले खंयची तरी इंडोनेशियाची सिंग जाल्ली शिप तेजी स्टोरी सांगता। 9व्या शेंकड्यान इंडोनेशिया कोस्ट हांगा एक शिप ब्रेक जाली एक बोट दर्यान बुडली सो ताजे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जे मेळ्ळे ते असल्या प्रोजेक्टा खातीर खूब युजफूल जाल्ले। हाज्या पयलीं एक ओमान ह्या देशान ज्वेल ऑफ मस्कट म्हणून असोच एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जाल्लो तातूंत एक बोट तयार केल्ली सो हो जो प्रोजेक्ट आसा हो ताजे परस मातसो ऑन अ बिगर स्केल आसा आनी इट ऑल्सो गोज बॅक इन टायम सो अजंटा केव हांगा जी पेंटींग आसा तातूंत एक बोट दाखयल्ली आसा खुबश्या देवळांच्या मुर्तींचेर आमकां जे बोटी दिसतात फॉर एग्जाम्पल हांगा गोंयान एक 10व्या शतकांतले एक हिरो स्टोन आसा विरगळ आसा ताजेर एक नेवल बॅटल दाखयल्ली आसा सो नेवी नेविगेशन शिप बिल्डींग has a very long historic tradition जेन्ना इंडियाचो आमी विचार करता, भारताचो विचार करता, कित्याक हांगा जी कोस्ट लायन आसा इज वेरी एक्टीव सिन्स वेरी एन्शियंट टायम. सो आर्कियोलॉजिकल एविडन्सीस आमी गॅदर केले, लिटरेचरान जे कितें रेफरन्सीस मेळटा. आतां भारत देशान खुबशे ग्रीक ट्रॅव्हलर्स आयिल्ले, रोमन ट्रॅव्हलर्स आयिल्ले, अरब ट्रॅव्हलर्स आयिल्ले, तांणी तांचे एक्सपिरियन्सीस मेन्शन केल्ले आसात. हे एक्सपिरियन्सीस डायरेक्टली शिप बिल्डिंगा बद्दल उलयना, पण तांचे नेविगेशनाचे एक्सपिरियन्स उलयतात. खंयच्यान खंय बंदराचेर वचपाक तांकां कितले दीस लागले, तांणी कितें पळयलें, हातूंत आमकां इनडायरेक्ट एविडन्सीस मेळटात. जसं इंडोनेशियाचें जे शिपरेक म्हणून थंय वूड लाकडाचे जे रिमेन्स मेळटात, तातूंत आमकां खंयचें लाकूड यूज केलां तें कळटा. तातूंत जॅकफ्रूट ट्री आसा. सो हातूंत हांवें रेफरन्सीस घेवन सिमिलर टायप ऑफ मटेरियल हांगा यूज करून ह्या प्रोजेक्टाक टू द मॅक्झिमम पॉसिबल एक्सटेंट ऑथेंटिसिटी मेळची हो एक अटेम्प्ट आसा. त्या टायमार जसो जशी जाताली ओडी तशीच जावपाक जाय, तशेंच मटेरियल आनी तेच प्रकारचे म्हणटकीर इतले काळजी घेतल्या. काळजी घेतल्या, पण कशें आसता की 100% रेकॉर्ड्स, 100% टेक्निक्स हे लिटरेचरान अवेलेबल ना. सो टू द मोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट आमी असो प्रयत्न हांगा केला की होडी इनोव्हेशन्स ही कंपनी जी आसा हो एक्चुअल प्रोजेक्ट जे एक्झिक्यूट करता तांचे कडेन मॅक्झिमम ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन पावची आणि त्या बेसिसाचेर हे काम जावचें. सो दॅट हो एक्सपेरिमेंट जो आसा हो ग्लोबल लेवलाचो आसा, इंटरनॅशनल लेवलाचो आसा. ही बोट जी आसा ही दर्यान सेल करपाची आसा, दर्यान भितर वतली. सो हो प्रोजेक्ट एक फुडल्या जनरेशना खातीर सुद्दां रिवायवल ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणून पळयलो वता. सो डॉक्युमेंटेशन हो एक आस्पेक्ट जालो, पूण ताच्या खातीर बॅकग्रावंड रिसर्च होच ह्या प्रोजेक्टाचो एक्चुअल बॅकबोन आसा. आनी प्रोजेक्ट जावपा खातीर होडी इनोव्हेशन, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हांचे फूल तातूंत इनवॉल्वमेंट मायन्यूट लेवलाचेर आसा. सो दॅट इवन वन सिंगल स्टीच हॅज टू गो परफेक्ट. सो तांगा एरराचो स्कोप ना, कित्याक एक्सपेरिमेंट एट एनी कॉस्ट फेल जावपा जायना. सो हो अटेम्प्ट एट एवरी स्टेज आमी एन्श्योर करता. आणि संवर्धन हेरिटेज सोल्यूशन हो इन्फॉर्मेशन बैकअप दिवपाचे काम आम्ही करता. ये प्रोजेक्ट पे काम करते समय रिसर्च के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा कि बहुत पुरानी बात है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता? स्ट्रगल करना पड़ता अगर गाइडेंस नहीं होता, बट अभी गाइडेंस के लिए सर और बहुत गाइडेंस है चारों तरफ से, तो उतना स्ट्रगल मेरे ऊपर नहीं है. आई गेस सर को स्ट्रगल हुआ होगा, बट कुछ टेक्स्ट ढूंढने के मामले में स्ट्रगल होता है क्योंकि बहुत कम टेक्स्ट अवेलेबल हैं और बहुत कम मरीन आर्कियोलॉजी के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो वो एक स्ट्रगल है. लैक ऑफ स्टडी मटेरियल इज वन प्रॉब्लम. स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है, यस, और कुछ जो अवेलेबल है उनके ट्रांसलेशंस नहीं हैं. लाइक युक्तिकल्पतरू उनके ट्रांसलेशन कुछ पार्ट्स के हैं बट पूरे नहीं, तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्टडी में. परत एकदा तुम्ही मटेरियल अवेलेबल केले खंय खंय केरला बिरला हे करून, म्हणजे हाडून काय डायरेक्ट यूज करपाक मेळना आसतले, कारण ते मागीर ते सॉल्ट वॉटरान वचपाक जाय, खाऱ्या उदकान वचपाक जाय. सो तेका आनी प्रोसेस कितें आसता? काय काय लाकूड आमकां सीजन करचे पडना, म्हणजे तांकां फ्रेश लाकूड जाय कारण तो कार्व करपाक इजी जाता. पूण हे सूत आसा ते स्पेशल सूत हाडला आम्ही, म्हणजे सीझन सूत हाडला आणि ताका सीझन म्हणजे ते प्रोसेस केले असतात. हय, सॉल्ट उदकान ताका महिने महिने दवरता कोकोनट फायबराक, मागीर त्याचे सूत करता. तशें केल्यार ताका स्ट्रेंथ उरता, लॉन्जेविटी उरता, आनी मागीर उदकान जेन्ना वता तेन्ना पिड्ड्यार जायना. तर तशें सिजनिंग प्रोसेस केल्लें आसता. पण इन जनरल बोट जेन्ना बांदता तेन्ना सीजन जाता. तुम्ही हांगा पहिले जाल्यार फर्स्ट प्लॅंक खूप डार्क दिसता आणि आता वयर घालिल्लो प्लॅंक खूप लाईट दिसता. तर जशी जशी बोट जाता तसे तसे लाकूड सीजन जाता. आणि सपोज तुम्ही सीजन लाकूड घेतले जाल्यार खूप दाट असता, तर ताका कार्व करपाक बेंड करपाक जायना. तुम्ही पहिले जाल्यार खूप बेंड करचे पडटा आमकां लाकूड, तर तेही बेंड करपाक स्टीम बॉक्सान घालून ताका खूप करून बेंड करता आणि मागीर सुकयता. पीस पीस नसता ते, एकूच पीस तो बेंड केला. हय, पण फ्रेश लाकूड बेंड करूंक शकता, पण सीजन लाकूड बेंड करूंक जायना. पण काय काय पोर्शन सीजन ना ते एज द बोट बिल्ड जाता तशी सीजन जाता लागून आमी बोटीचं स्ट्रक्चर पळयता पळय न्हू हांगसर अशें बसपाक बी अशें मेळना सो ही बोटीचो एक्चुअली स्ट्रक्चर हो सकयलो भाग आणि वयर तेजे प्रॉपर रूम्स बी तशें कितें आसता ती लायन पळयता ती डॅक लायन जाता तर डॅक लायन म्हणल्यार बोटीचो टॉप टॉप पोर्शन थंय चलूंक बिलूंक मेळटा थंय सगळे तुमचे रोप्स सेलाचे रोप्स बीन सगळे थंय येतले आणि मागीर हांगा रावपाक हॅमक हॅमक आमी म्हणटा तशें तशें पद्दत आसतली हांगा रावपाक आणि सगळे हांगात रावतले आणि इन ओल्डन टाइम्स काय कम्फर्ट बीन काय नाशिल्ले तर तशेंच आसतले हाव इट वॉज इन द ओल्डन टाइम तशेंच आमी आमी करतले देल बी नो लक्झरी बीन काय नासतली आता टेक्नॉलॉजीचा वापर करतो जो मागचा सुद्धा वापर हांगासर जावचो ना मागचो सपोर्ट घेवपा खातीर ना म्हणजे ब्रीफ आमचा की ट्रेडिशनल मेथड यूज करूनच करूंक जाय तर वी आर वर्किंग विथ संवर्धन टू अंडरस्टँड कितें टेक्निक्स आसता कशी पद्दत आशिल्ली आनी तीच आमी अशी यूज करूंक सोदता म्हणजे टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तेन्ना कशी बांदिल्ली तशीच आमी बांदता कारण द एम ऑफ द प्रोजेक्ट जे संजीव सान्यालाचो एम हा संजीव सान्याल सराचो एम हा तो इंडियाज मॅरिटायम हिस्ट्री कशी आशिल्ली ती एकदम व्हडली आशिल्ली एक्चुअली पण ताजो काय मेन्शन ना आनी हिस्ट्रीन खंय ते लॉस्ट जाला म्हणून तर तो रिवायव करपाक एम प्रोजेक्टाचो तर तसोच आमी बोट बांदता आनी मागीर जेन्ना सेल जातली तेन्ना आमी दाखोवंक शकता की एक्चुअली त्या टायमार आमी ट्रेडींग करता तेन्ना आमी फ्रॉम इंडिया we used to trade with Bali, with Oman. So that is the aim. So we are trying to be as true to the aim as possible. हांगासले फाटल्यान तुम्ही बॉडीचो सारको एक्युरेट मॉडेल जो तयार जाता तो पळोवपाक शकता वरत फुडें वयता आसतना इंटरव्यून हे जी एडवान्स टेक्नॉलॉजी आता यूज जाता त्यो जायना एक्युरेट तेन्ना कशें आसलें तसलें यूज करता म्हणटा सो ते टायमार जी बोट मूव जाताली ते वयर कपडो सो दिसतालो तेजेर मूव जाताली ते कशें कितें तुमी सजेस्ट केलां तांकां मागीर एंकरींग पद्दत म्हणजे एंकर घालताले ते कशें कितें आसतालें ते कितें तुमी सजेस्ट केलां ना खंयची बोट जेन्ना दर्यान वता आज जर बोट दर्यान वतली जाल्यार ताका एक बेसीक स्टँडर्ड्स फॉलो करचे पडटा सो ते कन्सिडर केल्ले आसा आणि ट्रेडिशनल जे बोशी नेविगेशन जे जाताले ते सीजन फॉलो करताले ते पर्टिक्युलर टाइम फॉलो करताले नेविगेशना खातीर प्लॅनेट्स आणि स्टार्सांची लोकेशन कंपास हे सगळे यूज करूनच पहिली जाताले सो हे सगळे कन्सिडर केल्ले आसा आम्ही जे आर्कियोलॉजिकल एविडन्सेस म्हणटा इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स ऑर स्कल्पचर्स तातूंत आमकां दिसता की सेल कशें आशिल्लें सो साधारण तशेंच डिझायन हांगा यूज जातले विच इज मोर प्रॅक्टिकल एंड रियलिस्टीक डॉक्युमेंटेशन करता आसतना हे आमी मातशें लक्षांत दवरलां की आर्कियोलॉजिकल एविडन्सेस जे येतात ते कॉन्टेक्स्टान येता म्हणजे फॉर एग्जांपल अजंटाचें जे पेंटींग आसा ते बुद्धिस्ट मायथोलॉजी ऑर कंटेम्प्ररी लायफ ऑफ बुद्धिस्ट मॉंक आनी तांचे सेटलमेंट थंय येवपी व्यापारी हे दाखयता आसतना ते पेंटींग आयिल्लें आसा So it is not a painting to show navigation or shipbuilding. So how context understand करूँ आणि actual science of navigation ज्याचे inputs Indian Navy कडल्यान येता और agency Hodi Innovations आसा they are expert into this. So हे amalgamation आसा हे दोनों technology ancient आणि existing new technology हाजे mixture आसा which is more realistic and practical. Anchor म्हटलं तुम्ही मका बोलतना तुम्ही mention केले फातराचं असतं कसं कितें आसता ताजे खातीर आमचे कडेन रेफरन्स आसा आमचे कडेन जेन्ना इंडस सरस्वती सिविलायझेशन आशिल्ली ताका हरप्पा संस्कृती म्हणटात सो ह्या संस्कृतीच्या काळान सादारण 5,000 वर्सां पयलीं आमचे कडेन इंडियन बंदर आशिल्ले म्हणजे गुजरात और सौराष्ट्र कोस्ट कराची कोस्ट ही खुबशीं पयलींची 5,000 वर्सां पयलींची बंदरां आसा तांचे अवशेश आमचे कडेन आसा अवेलेबल सो बेट द्वारका हांगा जेन्ना एक्सकवेशन केलें गोयचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आणि ते एक्सकवेशन केले पहिले एक्सकवेशन झाले S.R. राव हांणी केले आणि दुसरे अनिरुद्ध गौर म्हणून हांगा मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटान NIO हांगा सायंटिस्ट आसा तांणी केले तांचे बूक आसा सो तांच्या एक्सकवेशनान जे एंकर्स मेळ्ळा सो तो आमचे कडेन आर्कियोलॉजिकल एविडन्स आसा शिपरेक जे जाल्ले आसा, जे होडी और बोटी जे बुडल्यो तांचे बरोबर जे एंकर्स मेळ्ळे आसात ते आमचे कडेन एविडन्सेस आसा। ताज्या बेसिसाचेर एंकर हांगा जे यूज जातले ताजे प्रॉपर डिझायन फातरांचे केले वता। आतां काम चालू जे बोटीच्या पळय न्हू तेका शेड्यूल कशें कितें आसा, केन्ना पर्यंत तुमकां टार्गेट आसलें कशें कंप्लीट करपाचें तें एज पर शेड्यूल चल्ला काय फाटी फुडें जाता? हय, आतां बोट एज पर शेड्यूल चल्ला। 2025 आमकां ती नेवीक दिवंक जाय तर आमी एज पर स्केड्यूल आतां चल्ला आनी मागीर दितकूच नेवीचे लोक ताजेर ट्रेन करतले आनी मागीर फर्स्ट वॉयज जातली तांच्या प्लॅना प्रमाणे। मागीर तांकां ओमान वचूंक जाय, तांकां बाली वचूंक जाय तर तांचो प्लॅन आसा तर ताज्या प्रमाणे ते ट्रेनिंग करतले आनी फॉर नाव बोट एज पर स्केड्यूल चल्ला। परत कंक्लूड करता आसतना गोंयान हो प्रोजेक्ट जाता फर्स्ट टाइम, असो एक अग्नि प्रोजेक्ट इंडिया करपाक जाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करपाक जाता आनी तो तेजी मॅन्युफॅक्चरींग हे गोंयान जाता। गोंया खातीर आनी आमकां गोंयकारां खातीर कितली मानाची गजाल। खरो तर हो प्रोजेक्ट गोंयान जावप ही सामकी अभिमानाची गजाल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आसूं नाजाल्यार इंडियन नेवी आसूं ऑर एग्जीक्युटींग एजन्सी होडी इनोवेशन आसूं हांच्या गायडन्सा सकयल हो प्रोजेक्ट एक्चुअल एग्जीक्यूट जाता। ही एज अ स्टेट म्हणून गोंया खातीर खूब इम्पोर्टंट गजाल आसाच, पण फॉर एंटायर नेशन की आमी 2000 वर्सां पयलींच्या टॅक्नोलॉजीचेर एक असो प्रोजेक्ट जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट आसा, हो एक्सपेरिमेंट आसा करूं शकता एंड वीच कॅन सेल इन टू द सी एंड वीच वील रिमेन फॉर फ्युचर जनरेशन। की आमी जर डिसायड केले, आमी जर आमचो रिसर्च करून जो हिस्टोरीक हेरिटेज आसा ते जर गॅदर केले जाल्यार वी कॅन रिवायव एनी टॅक्नोलॉजी आणि वी आर फॉर्च्युनेट टू बी पार्ट ऑफ दीस एज अ स्टेट एंड एज अ कंट्री। हो एक सिग्निफिकंट प्रोजेक्ट आसा। हेजेरूच हांव कंक्लूड करचें, जे वरदान म्हटलें खूब मानाची गजाल, खूब अभिमानाची गजाल गोंयकारां खातीर असलो प्रोजेक्ट जो पयलेच पावट इंडियेन जाता आनी तो गोंयच्यान सुरवात जाता। आनी गोंयच्यान सुरवात जाता अशें न्हू, गोंयचे गोंयकार भुरगे ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करता आनी मेन काम हें आमचे गोंयकार भुरग्यांच्या, ही एक गोंया खातीर गोंयकारां खातीर मानाची गजाल।